नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल आप सभी के साथ मैंने कहा था कि इंडेक्स में एक्शन हो ना हो लेकिन स्टॉक्स में भरपूर होगा, क्योंकि कल यानी ट्यूसडे को हमने देखा कि इंडेक्स में भरपूर था लेकिन स्टॉक्स में मजा ही नहीं आ रहा था। आज का दिन आप देखिए, स्टॉक्स में भरपूर एक्शन है। हालांकि आज भी मैक्सिमम शेयर्स लाल निशान में है, इंडेक्स भी लाल निशान में है। इंडेक्स की बात करें तो वो बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव है, लेकिन स्टॉक्स में भरपूर एक्शन है आज। आपको अभी मैं एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करता हूं पहले आपके साथ, जो जो बड़ी बातें हैं अभी की। सबसे पहले बाजार का रिकैप कर लेते हैं एक बार। सेंसेक्स केवल 70 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है, तो नेगोशिएबल आप देख सकते हो नेगेटिविटी है। निफ्टी केवल 30 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है, तो वो भी ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस लाल निशान में आप ये कह सकते हो। बैंक निफ्टी एक्सपायरी से पहले 52,500 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये काफी राहत की बात होगी उन लोगों के लिए जो 52,500 की कॉल बेचकर बैठे हैं। कल सबसे बड़ी बात यही तो थी कि सारे के सारे शॉर्टर्स ट्रैप हो गए हैं और वो पोजीशन कट कर रहे हैं जिसकी वजह से बाजार आपके लिए ऊपर जा रहा है, तो वही लोग रिस्क पे खड़े हैं। मैंने भी आपसे ये कहा था कि अगर शुरुआती कुछ घंटों में 52,500 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड कर गया तो वो सारे फिर पोजीशन धीरे धीरे कट करेंगे, जिसकी वजह से और स्ट्रेंथ बनेगी। बट मैं देख पा रहा हूं सुबह से करीब करीब आपके लिए बैंक निफ्टी 52,500 के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं, तो अभी वो लोग कंफर्टेबल हैं। अब वहां पे और लोग आ जाते हैं शॉर्ट करने के लिए तो 52,500 आज के लिए हडल हो जाएगा। अदरवाइज उसके ऊपर निकलते ही कम से कम 200 पॉइंट का मूव आप मान के चल सकते हो, लेकिन ऐसा मत करना कि उस 200 पॉइंट में आप राजा बनने चले जाओ कि मैं तो कॉल लेके खरीद के पैसा बनाऊंगा। नहीं होगा ऐसा, मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है ट्रैप और हो जाओगे। तो आप केवल देखना सीखना कि क्या हो रहा है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट की कुछ वैल्यू नहीं है दोस्त, तो बिना बात के जल्दबाजी में हीरो बनने मत जाना, बस इतना ही कहूंगा, पैसा गवा के आ जाओगे। मिड कैप और स्मॉल कैप हल्का हल्का लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट ब्रेथ थोड़ी सी ज्यादा नेगेटिविटी की तरफ है। 1,000 शेयर पॉजिटिव है तो 1,200 शेयर नेगेटिव है एनएससी पे, ये आपके लिए मार्केट ब्रेथ है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन फिर भी भरपूर है, कैसे चलिए समझते हैं। पहले तो इश्यूज की बात कर लेते हैं, आईपीओस की बात करें तो डी डेवलपमेंट का इशू लिस्ट हुआ है जस्ट अभी भी, दमदार लिस्टिंग, 76% के प्रीमियम पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है स्टॉक, तो काफी बढ़िया। बट बना किसका पैसा, 100% से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है स्टॉक, 100 गुना से ज्यादा माफ कीजिएगा, किसको बने, जो बेचारे को मिला होगा उसका भी क्या बना, 14,000 रुपए पे 70%। आप परसेंटेज टर्म्स में तो बहुत पैसा तो देखो, एक लॉटी तो था, 15,000 ही तो था, 10,000 रुपए का गेन मार दिया, इससे ज्यादा थोड़ी मार दिया, और वो भी बेचारे 100 में से एक आदमी ने मारा, 10,000 रुपए का मात्र। देखने में ऐसा लग रहा है कि यार 76%। मैं हमेशा कहता हूं आईपीओ में ना ये फोमो बनाया जाता है। आप अब थोड़ा कैलकुलेशन करके देखो, कुछ भी नहीं होता आईपीओ में। यही शेयर अगर चुपचाप लिस्ट करवाते हम लोग, आराम से सब्सक्राइब ना करके शांति से उतरने देते, तो आपको ये बहुत सस्ता मिलता, लेकिन तब कोई लेता नहीं क्योंकि सुस्त लिस्टिंग है ना। तो ये जो आईपीओ पे ये जो हवा है ना, ये कैसे भी करके लोगों को समझनी होगी। बट ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्टर स्पेसिफिक आज मेटल, रियलिटी और ऑटो लाल निशान में, अच्छे खासे लाल निशान में, 1-1% के करीब टूटे हुए हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है वेदांता के लिए, मैं आपको बताऊं। वेदांता सबसे पहले रूमर्स थे कि जुलाई में प्रमोटर स्टेक बेचेंगे, फंड रेज कर रहे हैं, फिर कंपनी की तरफ से बयान आए नहीं बेचेंगे हम कुछ भी, और आज सीधे इक्विटी बेच दी, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और मैंने दोनों वीडियो बनाई थी कि बेचेंगे, कंपनी ने कहा नहीं बेचेंगे, और आज मैं आपको बता रहा हूं कि बेच दिया, तो उस पर डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो ये गुमराह क्यों करा समझ में नहीं आया यार इन्वेस्टर्स को। इंडिया सीमेंट का शेयर आज रैली कर रहा है भाई साहब 11%। इसके पीछे कुछ कारण है, एक तो सीमेंट स्टॉक आज तूफानी रफ्तार में चल रहे हैं, और दूसरी बात इंडिया सीमेंट की बात करें तो ये बैन से बाहर आया तो ज्यादा फोर्सफुली ऊपर जा रहा है, और वॉल्यूम्स पे नजर डालूं तो हिला देने वाले वॉल्यूम है दोस्तों। जहां पे एवरेज वॉल्यूम इस स्टॉक के लगभग 50 लाख 70 लाख 27 लाख ऐसे ट्रेड होते हैं, वहां 2 करोड़ शेयर ऑलरेडी ट्रेड कर गए हैं, 12% ऊपर है। गार्डन रीच, प्रिंस पाइप, जेके पेपर, प्रिज्म जॉनसन, ये कुछ और स्टॉक है जो तूफानी रफ्तार से भाग रहे हैं। मैप माई इंडिया में ब्लॉक डील होनी थी, हो चुकी है, बेच के चले गए हैं, आई थिंक प्रमोटर्स ने बेचा है, मैंने कल वीडियो तो कवर करी थी। हाँ जी, प्रमोटर राकेश कुमार वर्मा जी ने 5 लाख शेयर बेचने थे, बेच के चले गए हैं, 4% नीचे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। लोधा का शेयर नीचे है, कजारिया सेरामिक, वेदांता डील के बाद हल्का सा नीचे होता हुआ दिख रहा है, क्राफ्टमैन ऑटोमेशन में भी गिरावट आते हुए दिख रही है कल की बड़ी तेजी के बाद। कल की बड़ी तेजी के बाद अमरा राजा एक बार फिर बड़ी रैली करता हुआ दिखा मॉर्निंग में, लेकिन अभी ऊपर से अच्छी खासी करेक्शन आ गई है, लगभग 7% तक ऊपर गया था, अभी 2% ऊपर है, तो ये अपडेट है। मझगांव डॉक नवरत्न कंपनी बनने के बाद 4% की रैली बनती थी, रैली आपके साथ कल डिस्कस भी किया। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में भी 7% की रैली आते हुए दिख रही है, तो आज भी शिपिंग से रिलेटेड स्टॉक फुल एक्शन में है।
निफ्टी में 28 शेयर नेगेटिव है दोस्तों, जिसको लीड कर रहा है हिंडालको 2% नीचे, टाटा स्टील, बजाज ऑटो, अपोलो हॉस्पिटल, सिप्ला, एमएनएम, ये कुछ स्टॉक है टॉप लूजर्स की लिस्ट में। टॉप गेनर में आपका सीमेंट स्पेस से अल्ट्राटेक सीमेंट निफ्टी में, देन ग्रेजिम इंडस्ट्री, और भैया श्रीराम फाइनेंस तो रुकने थमने का नाम ही नहीं ले रहा, 3000 का लेवल पार कर गया है दोस्तों, 2200 रुपए पे आपके साथ 4 जून के बाद जब बाजार क्रैश हुआ था डिस्कस किया था। टोटल 7 स्टॉक डिस्कस करे थे, उसमें से श्रीराम फाइनेंस एक था, 2200 वाला 3000, मेरे एक साल के लक्ष्य थे 3000 के उस वीडियो में 4 जून से अभी तक। हालांकि हिम्मत आपकी भी नहीं हुई होगी, मेरी भी नहीं होगी खरीदने की, लेकिन स्टॉक पिकिंग अच्छी थी, इस बात का हमें प्राउड है। कोटक बैंक, एलटीआई माइंडट्री, रिलायंस, बीपीसीएल, ये कुछ स्टॉक हैं जो अच्छा करते हुए दिख रहे हैं आप सभी को। बाकी आपके लिए एक्शन कहां पे हो रहा है, कहां पे नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।